तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग यार, हमारे शहर के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ गई है और आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हमारे शहर में रहने वाले लोग गायब हो रहे, यानी रात को भाई किडनैप हो रहे। और किडनैप करने वाला कोई और नहीं, रात को नाचने वाली डांसिंग चुड़ैल भाई। अभी इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डांसिंग लेडी, यानी ये रात को नाचती है और जो भी इसको देख लेता है नाचता हुआ वो उसको किडनैप कर लेती है या फिर पता नहीं दुनिया के किस कोने भेज देती है। अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। हमारी सिटी के आधे से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। अभी तो सड़कें भी भाई सूनी सूनी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई इस शहर के अंदर रहता ही नहीं है। भाई ये बात तो सही है लेकिन यार इससे भी बड़ी बात पता है क्या है भाई? हमारी सिटी का रक्षा करने वाला सुपर हीरो खुद गायब है भाई। कल रात वो अकेला अपने बाइक से अपने घर पे जा रहा था, तभी भाई उसके सामने वो डांसिंग लेडी आ गई, बिल्कुल आसमान से टपक गई और सुपर हीरो ने उसको देख लिया। अभी सुपर हीरो को पता नहीं था कि भाई ये सब क्या चीज चल रहा है और अब पता नहीं बाकी लोगों के साथ साथ सुपर हीरो भी कहां पे चला गया। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे वॉच टाउन के सभी लोग गायब हो जाएंगे और एक दिन रो फिरो भी गायब हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो डांसिंग लेडी आखिर इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? तो भाई लोग यार, अभी यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए भाई पुलिस वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई ये देखो टैंक भी लेके आ गए और अभी ये टैंक पूरी रात भर यहीं पे खड़ा रहेगा, ये वापस नहीं जाएगा। भाई अभी यार पुलिस वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे रो फिरो को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो भाई लोगों अभी हम लोग आ चुके हैं पुलिस वालों के पास में यार सुपर हीरो के बारे में पूछने के लिए। तो पुलिस वाले भैया यार हमें बताओ कि वो गायब कैसे हो गया। अरे रो फिरो ये तो हमें भी पता नहीं है, हम जब गए तो बस हमें तो उसकी बाइक मिली, वो पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो भाई लोगों यार सुपर हीरो की बाइक तो पुलिस वालों के पास में ही है, तो हम लोग सुबह उसको लेने के लिए आएंगे। तो दोस्तों सुबह होते ही हमारा रो फिरो पुलिस स्टेशन के पास में आ गया है सुपर हीरो की बाइक लेने के लिए। चलो भाई चलते हैं, वो खड़ी सुपर हीरो की बाइक। और पुलिस वाले भाई पूरी रात भर नहीं सोए क्या? और यहाँ पे क्या चल रहा है? ओ भाई इतनी सारी गाड़ियाँ, लगता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। ये देखो भाई कितनी सारी गाड़ियां है यहाँ पे तो, और सारे पुलिस वाले गायब है। इसका मतलब भाई कोई बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं लोग, और वहां पे देखो उस गाड़ी के अंदर धुआं भी निकल रहा है। इसका मतलब भाई अभी पुलिस वाले भी शिकार हो रहे हैं उस डांसिंग लेडी का। भाई हम तो यहाँ से चलते हैं हमारे सुपर हीरो की बाइक लेके। दोस्तों हमारा सुपर हीरो वापस पता नहीं कब आएगा, या फिर वो आएगा भी या नहीं आएगा इसका भी पता नहीं है। अगर हमारे सारे पुलिस वाले मिलकर उस डांसिंग चुड़ैल को पकड़ लेंगे ना, तब तो शायद पता लग जाएगा कि हमारे वॉच टाउन वाले जितने भी लोग थे ना वो कहाँ पे चले गए, और हमारे सुपर हीरो का भी पता लग जाएगा। तो भाई लोग यार हम लोग ऐसे ही नहीं बैठ सकते, हमारा रो फिरो ऐसे ही नहीं बैठ सकता भाई, हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई लोगों। तो दोस्तों यार अभी हम लोग टिप्सन भाई के पास में आ चुके हैं और टिप्सन भाई से बहुत सारी चीज़ें मांगी भाई मैंने, बहुत सारी गन ले ली और ये बोतल है ना आग जलाने की वो भी ले ली और एक पुलिस वालों की कार भी ले ली। भाई लोगों ये देखो भाई टिप्सन भाई ने मेरे को क्या क्या दे दिया उस चुड़ैल से लड़ने के लिए। अब इतनी सारी चीज़ें हमारे सुपर हीरो के पास में भी होती तो शायद वो बच जाता। ये देखो भाई आग जलाने वाली बोतल भी दे दी मेरे को, अभी इससे मैं उसको जला दूंगा उस चुड़ैल को। चलो भाई लोगों हम पता है अभी किसका इंतजार कर रहे, हम लोग रात होने का इंतजार कर रहे क्योंकि जैसे ही रात होगी हमारा रो फिरो अकेले जाएगा, तब वो रो फिरो को मिलेगी ना, तब हम उसको सबक सिखाएंगे। तो भाई लोगों आप लोग भी भाई जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों, जल्दी से कर दो भाई, आप लोग बाद में भूल जाओगे। तो भाई लोगों रात वैसे हो चुकी है और अभी हम लोग पता है कहाँ पे जाएंगे, कैसीनो की बिल्डिंग के पास में, क्योंकि वहीं पे हमें वो शायद मिल सकती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि हम अकेले जा रहे और वो एक सोना रास्ता भी है भाई, सुमसान रास्ता भी है। चलो भाई उसी के पास में चलते हैं। और देखो भाई जितने भी लोग थे ना वो तो अपने घरों में छुप चुके हैं, और अगर बाहर भी है तो वो अकेले नहीं है, पुलिस वाले उनके साथ में है। चलो भाई लोगों चलते हैं, मेरे को भाई कैसीनो की बिल्डिंग के अंदर भी जाना है क्योंकि हमारे रो फिरो को कैसीनो के अंदर गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। चलो भाई लोगों सीधा कैसीनो के अंदर चलते हैं। वैसे अभी तक भाई वो चुड़ैल दिखी नहीं, वैसे रात बहुत लंबी होती है भाई, अभी हम लोग बाकी जगहों पर भी जाएंगे लेकिन सबसे पहले कैसीनो के अंदर चलते हैं। और हम लोग अंदर आ गए भाई, यहाँ पे तो वैसे क्या क्या चीज़ें बदल गई होगी यार, कुछ भी नहीं बदलता भाई अभी यार, ये आज के 5 साल पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। और वहाँ पे कौन डांस कर रहा है भाई? ओ दो लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं भाई, वो चुड़ैल तो नहीं है ना? नहीं नहीं यार, ये लोग अगर चुड़ैल होते तो अंदर बाकी सभी लोगों को खा जाते,
या फिर मार डालते। ये लोग तो भाई, ये तो हमारे वोस्टान वाले लोग है भाई, ये थोड़ी है। चलो भाई लोग और बाकी जगहों पे भी चलते हैं। और ये लोग क्या करे भाई, यहाँ पे क्या चीजें बोल रहे हैं ये लोग? अरे बच्चों तुम अभी बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर रात हो रखी है भाई, वो डांसिंग लेडी तुम्हें खा जाएगी, मार डालेगी। ओ तो ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, और ये लाल शर्ट वाला इनको ज्ञान दे रहा है कि तुम लोग अभी बाहर मत जाना क्योंकि रात हो रखी है भाई, वो तुम लोगों को खा जाएगी डांसिंग लेडी। अरे भाई ऐसे थोड़ी खा जाएगी, अभी दो लोग होते हैं ना तो वो वार नहीं करती, अकेले पे वार करती है। और इस लड़के को क्या हो गया भाई? तो दोस्तों यार अभी हम लोग आगे भी चल के देखते हैं, और ये किस तरफ देख रही है भाई, ये तो पागल हो गई क्या? अरे भाई ये सच में पागल है क्या? इसकी गर्दन भी नहीं दुख रही क्या? बताओ सर जी, एक ही तरफ देखी जा रही है, और ये देखो ये कितना ज़्यादा डर रहा है भाई। अभी इतना ही डर लगता है तो तुम आए क्यों थे भाई, अपने घर में रहते ना। तो दोस्तों अभी बहुत घूम लिया कैसीनो, और अभी हम लोग बाहर चलते हैं भाई। लेकिन बाहर चलने से पहले हम लोग कुछ भी पी के जाएंगे, ये लोग जो भी पिलाएंगे ना, कॉफ़ी चाय वगैरह जो भी पिलाओ भाई, पिलाओ हमारे रो फिरो को पिलाओ, और रियल के अंदर पिलाना भाई। अबे हाँ डाल, ओ कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर, रो फिरो मत पी भाई, ये तो नकली बात कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन भाई कोई बात नहीं है, रो फिरो भी इसका मजे ले लिया, यानी ये भी नकली के अंदर पी लिया, और उसने भी नकली के अंदर पता नहीं क्या डाला। चलो भाई लोग जो भी हो चलते बाहर, और भाई आप लोग है ना किसी को भी बाहर मत जाने देना क्योंकि अभी रात हो रखी है। क्यों सर जी भाई, बाहर जाने दोगे क्या? मत जाने देना बिल्कुल भी, वो डांसिंग लेडी पकड़ लेगी। चलो भाई लोगों अभी हम लोग तो बाहर चलते हैं, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी उनको ढूंढने के लिए तो आए थे ना, और रात हो रखी है भाई, अभी भी रात हो रखी है। चलो भाई लोगों अपनी कार के अंदर बैठते हैं और चलते हैं इसी जगह पे जहाँ पे कोई भी ना हो। यानी भाई यहाँ पे देखो भाई, वो स्टॉन वाले डोल रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों की भी सिक्योरिटी है। और यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, इस ट्रक को पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया बे। कोई बात नहीं भाई, अभी चलते हैं यहाँ से जल्द ऐसी जगह ढूंढते हैं। वैसे भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, और हम लोग इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं भाई? अभी थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाओ ना रो, ऐसे तो भाई हम लोग कभी यानी दिन हो जाएगा। ये देखो भाई पुलिस वाले चक्कर लगा रहे हैं कि कोई गायब ना हो जाए। तो दोस्तों यार हमारा रो फिरो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे कोई भी नहीं था, और रात भी बहुत गहरी थी। लेकिन डरने का नहीं भाई, अरे भाई डांसिंग लेडी आ चुकी है हमारे रो फिरो के सामने, अभी भाई इसने देख भी लिया। तो दोस्तों यार हमारे रो पीरो के साथ में क्या हुआ, हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वो जगह कोई और नहीं थी, वो म्यूटेंट के घर के सामने थी भाई। अभी रो पीरो चिल्लाए भी होगा ना, तो यार म्यूटेंट उसको बचाने के लिए ज़रूर गया होगा। तो भाई लोगों अभी यार ये सारी बातें हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट में। चलो भाई लोगों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।